नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में दोस्तों, जो कि आप सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आप सभी के लिए एक सरकारी हथियार की तरह जो काम आने वाला है। अगर आप डायरेक्ट सेलर के रूप में कार्य कर रहे हैं, आप जो है IMC जैसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं या किसी अन्य कंपनी में भी कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं तो आपके लिए जो डॉक्यूमेंट है काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो इस डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर दोस्तों आप भी जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं और लोगों को दोस्तों अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बताने जा रहे हैं, और उस दौरान आपको जो बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसमें आपको सामने वाला व्यक्ति ये कह देता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं ये इलीगल बिजनेस है, इससे जो है किसी भी प्रकार का भला नहीं होता है, किसी भी प्रकार का जो है इससे प्रॉफिट नहीं होता है, तो ऐसे में दोस्तों आप जो है इस बिजनेस को आप कैसे लीगल साबित करेंगे, इसके लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि हमारे जो भी नियम कानून होते हैं उसको दर्शाए तो वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे में दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये डॉक्यूमेंट दोस्तों 2021 में ही हमारे देश में दोस्तों ये लागू हो चुका है। और ये जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों आप सभी को मदद करने वाला है आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। और भारत का राजपत्र, जिसमें दोस्तों सभी प्रकार के नियम या जो भी इथिक्स होते हैं या जो भी नियमावली होती है जो उसको रजिस्टर किया जाता है, और उसके आधार पर हर एक चीज़ के नियम बनाए जाते हैं, और उसको दोस्तों आप पढ़ सकते हैं और किसी व्यक्ति को आप उस चीज़ के बारे में प्रूफ दे सकते हैं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो भारत का राजपत्र जो कि पहले डायरेक्ट सेलिंग पर नहीं आया था, लेकिन जो है 2021 में दोस्तों इसे जो है भारत सरकार ने दोस्तों इसे लागू कर दिया है। और अब जो है भारत के राजपत्र में भी दोस्तों आप डायरेक्ट सेलिंग के जो कानून है या उपभोक्ता के जो कानून है, जिसमें जो भी यूजर है, जो भी उपभोक्ता है, उससे संबंधित जो भी शर्तें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, जो कि इस वीडियो में हम आपको पढ़ के दिखाने वाले हैं। वैसे मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप इसको पूरा देख लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको इसकी मेन बातें जो है बताने वाला हूँ। और ये जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों 28 दिसंबर 2021 को जो है भारत सरकार ने जो है लागू किया है, और केंद्र सरकार ने जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 101 की उपधारा 2 के खंड के साथ जो है पठित धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस नियम को जो है बनाया है। इसमें बहुत सारे नियम आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे संक्षिप्त नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो राजपत्र है दोस्तों आप सभी को डायरेक्ट सेलर को जो है मदद करने वाला है। जब आप किसी उपभोक्ता को या किसी व्यक्ति को जब आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं यानी कि प्रत्यक्ष बिक्री करते हैं, तो उसमें आप जो है उनको जो है ये नियमावली या नियम जो है उनको बता सकते हैं कि उसमें उनके अधिकार क्या है या किस प्रकार से जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो लीगल है, और किस प्रकार से आपकी कंपनी जो रजिस्टर्ड है उस कंपनी के क्या क्या जो है बेसिक यहाँ पे जो रूल्स उसके द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं वो सभी आप इसके द्वारा दिखा सकते हैं। तो इसके लागू होने के बारे में यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। और इसमें जो जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए गए हैं वो सारे जो भारत सरकार ने प्रत्यक्ष बिक्री यानी कि डायरेक्ट सेलिंग पर जो है सीधे बताए हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट कंपनी पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये सारे जो बेसिक्स हैं इनको आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लें। और ये जो भारत सरकार की नियमावली है तो इसमें कहीं ना कहीं आपको जो है मदद मिलने ही वाली है। जब आप किसी व्यक्ति से जब मिलने जाएंगे और वो व्यक्ति किसी प्रकार से नेगेटिव बातें करता है, तो आप ये नियमावली भी उन्हें दिखा सकते हैं, और कुछ परिभाषाएं भी आप इस नियमावली में देख सकते हैं जिसमें जो है यहाँ पर बताई गई है। और इसमें दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आप नीचे आते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ज नंबर में, जिसमें पिरामिड स्कीम के बारे में भी बताया गया है कि पिरामिड स्कीम से किसी स्कीम में अतिरिक्त अभिदाताओं के नामांकन या कार्य प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए एक या एक से अधिक अभिदाताओं को नामांकित करते हुए अभिदाताओं द्वारा बनाई गई स्कीम के लिए अभिदाताओं का एक बहुस्तरीय नेटवर्क अभिप्रेत है, जिसमें अतिरिक्त अभिदाता को नामांकित करने वाले अभिदाता उच्च स्थान पर कब्जा प्राप्त है और नामांकित अभिदाता निचले स्थान पर कब्जा प्राप्त है, जिसमें क्रमिक नामांकन के जरिए अभिदाताओं का बहुस्तरीय नेटवर्क बनता है। मतलब यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात की गई है कि जिसमें आप ऊपर एक पहले जब आते हैं तो आपकी आईडी लगती है, और आपके बाद फिर जो आप किसी व्यक्ति को डाउनलाइन में डालते हैं वहाँ पर जो है यहाँ पे आपके लेवल्स के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है, और ये एक बहुस्तरीय नेटवर्क के बारे में यहाँ पे बोला गया है। और नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं माल एवं सेवाओं के संबंध में बिक्री योग्य से ऐसी अप्रयुक्त और विपणन योग्य माल और सेवा विपरीत है जिसमें उपयोग की तारीख समाप्त नहीं हुई है या जो मियादी नहीं है, जिसमें बंद कर दिया गया है या फिर जो विशेष संवर्धन के लिए उपयोग की गई है। तो यहाँ पे माल और सेवाओं संबंधित जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट के यहाँ पर जो विपणन संबंधित बात यहाँ पे कही गई है, जिसमें उसकी जो तारीख समाप्त नहीं हुई है और उसको आप तारीख से पहले आप ये बेच रहे हैं, मतलब उसकी जो एक्सपायरी डेट नहीं गई है उसके बारे में यहाँ पे कुछ बात की गई है। और यहाँ पे कंपनियों के कुछ रिकॉर्ड के बारे में बात की गई है कि कंपनी जो है सभी कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है उनके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनके पास, किस प्रकार से जो स्ट्रक्चर होना चाहिए कंपनी का, किस प्रकार से उनके जो कंपनी के ऑफिस होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ आयकर संबंधित विवरण की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बात कही गई है।
बैलेंस शीट और बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे बात यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो उनकी जो इकाइयाँ जो स्थापित होती हैं, जो कि जितनी भी कंपनियाँ होती हैं सबसे पहले अपनी कुछ ना कुछ इकाई बनाती है, उसके आधार पर ही उनका जो सारा प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है, फिर उसका प्रोडक्शन को फिर जो है लोगों तक पहुँचाया जाता है। तो उस सारी जो बातों को दोस्तों इस डॉक्यूमेंट में अपने को देखने को मिल जाता है। और ये डॉक्यूमेंट है बहुत बड़ा है, इसको मैं खैर पढ़ के इतना सारा नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन इस डॉक्यूमेंट का जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर के इस डॉक्यूमेंट के हर एक पेज पर लिखी बात को आप पढ़ सकते हैं। और अगर ये डॉक्यूमेंट आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इस डॉक्यूमेंट का PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वहाँ से इसको डाउनलोड करके जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो आप उस दौरान इस डॉक्यूमेंट को अपने साथ जरूर रखें, और कोई व्यक्ति नेगेटिव बात करता है तो आप उन्हें ये डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो इस डॉक्यूमेंट में हैं, जो कि मैं अब पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और ये डॉक्यूमेंट अगर आपको पढ़ने के बाद अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा। और इसे आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी दिया हुआ है, नीचे की तरफ आप आते हैं पूरा ट्रांसलेटेड इंग्लिश में, और इसको आप इंग्लिश में भी पढ़ पाएंगे। तो हिंदी और इंग्लिश में ये पूरा ट्रांसलेटेड है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।